हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिज फ्रेम। आज हम आईआईटी जेम का एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डाइवर्जेंस। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने ग्रेडियंट डिफाइन किया था एक स्केलर फंक्शन के लिए, डाइवर्जेंस एक वेक्टर फंक्शन के लिए डिफाइन होता है। तो सपोज कीजिए कि कोई एक यू वेक्टर है, यू एक वेक्टर फंक्शन है, विच इज यू वन आई कैप, यू टू जे कैप प्लस यू थ्री के कैप। तो इसका जो डाइवर्जेंस निकालेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ यू वेक्टर, इट इज गिवन बाय डेल डॉट यू। दिस डेल इज कॉल्ड डिफरेंशियल ऑपरेटर। इट्स वैल्यू इज आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड। एंड यू टू टेक डॉट प्रोडक्ट इन केस ऑफ डाइवर्जेंस विद यू वन आई कैप प्लस यू टू जे कैप प्लस यू थ्री के कैप। एंड इट कम्स आउट टू बी आई कैप डॉट आई कैप इज वन, while i cap dot j cap and i cap dot k cap is 0. So del u1 by del x plus del u2 by del y plus del u3 by del z. This is the divergence of vector function, any vector function which is u. Now, अब हम क्या करेंगे? Physical significance देखेंगे कि divergence का physical significance क्या है। तो fluid mechanics से based एक फिजिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं इसका। फिजिकल सिग्निफिकेंस, सपोज कीजिए अपने पास क्या है, पैरेललोग्राम है। दिस इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम में 6 पैरेललोग्राम्स होते हैं। और पैरेललोग्राम क्या होता है? जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। So this is A, B, C, D, E, F, G, H. अब सपोज कीजिए यहां पे कोई फ्लूड जो है वो एंटर कर रहा है, और फ्लूड कैसा है? कंप्रेसिबल। फ्लूड कैसा है? कंप्रेसिबल है। कंप्रेसिबल मतलब इसकी डेंसिटी और वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। डेंसिटी और वेलोसिटी टाइम के साथ क्या हो रही है? चेंज हो रही है। अब देखिए यहां पे डायरेक्शन स्पेसिफाई कर देते हैं। से दिस डायरेक्शन इज से x एक्सिस, दिस इज y, दिस इज z। तो अपने पास कितने प्लेन्स हैं यहां पर? xy प्लेन है, xz प्लेन है और yz प्लेन है। इसके करस्पोंडिंग फेसेस भी होंगे इसमें। कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस हैं इसमें। तो हम कोई भी एक फेस से, एक फेस के ऊपर जो है हम क्या निकाल लेते हैं, जो मास जो है फ्लूड का जो एंटर करने लग रहा है उसके लिए हम निकालते हैं रेट ऑफ लॉस ऑफ मास ऑफ फ्लूड। तो ये कैसे निकालेंगे? देखिए, सपोज कीजिए मैंने xy प्लेन कंसीडर किया। xy प्लेन में कौन सा फेस है? xy प्लेन में कंसीडर है ये वाला EF BA एंड HG CD। ये दो फेसेस इस पैरेललोग्राम के क्या आ रहे हैं? xy प्लेन में एग्जिस्ट करने लग रहे हैं। तो यहां पर सपोज कीजिए कि EF BA जो कि xy प्लेन में है, यहां से मास क्या करता है? एंटर करता है। मास ऑफ फ्लूड एंटर इन दिस। और कितना मास एंटर कर रहा है इसके अंदर? द वैल्यू ऑफ द मास व्हिच इज एंटरिंग इज गिवन एज व्हाट इज द डेंसिटी, डेंसिटी इनटू द वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? देखिए फेस है ये, फेस का एरिया कितना होगा? इस फेस का एरिया होगा dx into dy और इनटू डी जेड, लेकिन वेलोसिटी क्योंकि चेंज हो रही है यहां पर, तो क्या हो जाएगा यहां से? वी इनटू द टाइम। टाइम इनिशियली सपोज टी आई था जब मास यहां पे एंटर करता है उस टाइम पे, ठीक है। एंड दिस मस्ट बी फंक्शन ऑफ द जेड। इफ यहां पर अगर इस फेस का कोऑर्डिनेट एक्स वाई और क्या है? जेड है। एक्स वाई जेड अगर कोऑर्डिनेट है तो ये किसका फंक्शन होना चाहिए? जेड का, क्योंकि डेंसिटी और वेलोसिटी इसके साथ एक्सिस के साथ क्या हो रही है? चेंज हो रही है। फ्लो के साथ क्या हो रही है? चेंज हो रही है। सो दिस मस्ट बी अ फंक्शन ऑफ z। और dz मैंने यहां लिखा क्योंकि dz यहां पर का क्या फॉर्मूला लगा यहां पे? वेलोसिटी इनटू टाइम।
और टीआई क्या था यहाँ पे, टीआई है इनिशियल टाइम व्हेन द मास ऑफ द फ्लूइड एंटरिंग इन दिस फेज ईएफबीए। अब हम देखते हैं इन द फेज व्हिच एग्जिस्ट इन द एक्स वाई प्लेन एचजीसीडी। इस वाले फेज में मास क्या हो रहा है, लीव करने लग रहा है, मास ऑफ फ्लूइड लीव, और ये डिफरेंट होगा एंटर से क्योंकि हम जानते हैं कि डेंसिटी जो है क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो मास भी क्या होगा, चेंज होगा। से दिस इज नोटेड बाय ml, इसकी डेंसिटी क्या है dx dy व्हिच इज द एरिया ऑफ दिस फेस hgcd, एंड वेलोसिटी कितनी है वहां पर, v है, जो कि z पर निर्भर करेगा, z plus dz कोऑर्डिनेट पर, z plus dz बिकॉज़ xy तो सेम रहेगा xy प्लेन में, ठीक है। और फाइनल जो टाइम था, से फाइनल टाइम आई वाज नोटेड एज pf, एंड दिस मच फंक्शन ऑफ z plus dz, z plus dz। तो हमें निकालना है कि कितना मास जो है जो क्या हुआ है, लॉस हुआ है, कितना मास लॉस हुआ है, लॉस ऑफ मास ऑफ कंप्रेसिबल फ्लूइड, कंप्रेसिबल फ्लूइड। तो मैं इसको डीएम से डिनोट कर देता हूं, तो ये इसका वैल्यू कितना आएगा, कितना एंटर किया माइनस कितना लीव किया, एंड देन दिस इक्वेशन गिवन बाय डीएक्स डीवाई, तो यहां से बाहर आ जाएगा, इट इज कॉन्स्टेंट, एंड रो इंटू वी टी आई माइनस रो इंटू वी टी एफ, दिस इज फंक्शन ऑफ जेड एंड दिस इज फंक्शन ऑफ जेड प्लस डी जेड। रिमेंबरिंग हियर दैट डीएक्स डीवाई डी जेड डिनोट्स द वॉल्यूम ऑफ दैट पैरेललोग्राम, ठीक है, जिसके लेंथ कितनी है dx अलोंग द x एक्सिस, एंड अलोंग द y एक्सिस उसकी लेंथ कितनी है dy, और अलोंग द z एक्सिस उसकी लेंथ कितनी है dz। इसलिए मैंने यहां का कोऑर्डिनेट क्या माना था, z plus dz। तो यहां पर अगर देखें तो ti minus tf क्या है, द चेंज इन द टाइम व्हेन द फ्लूइड फ्लोस, सो dx dy आप इसको dt भी लिख सकते हैं, ti minus tf, एंड rho व्हिच इज चेंजिंग विद द फ्लो ऑफ द फ्लूइड। रो क्या हो रहा है, फ्लूइड के फ्लो के साथ चेंज हो रहा है, क्योंकि हमने क्या माना है, फ्लूइड को कंप्रेसिबल माना है, और इनटू में वी, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये खुद एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा, और कह सकते हैं कि वेक्टर फंक्शन होगा, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट डेंसिटी भी चेंज कर रही है और वेलोसिटी भी चेंज कर रहा है, माइनस रो इनटू वी जेड प्लस डी जेड। तो रो इनटू वी को कुछ मान लेते हैं यहाँ पे वेक्टर फंक्शन, से लेट रो वी it is noted as say u, ठीक है, then this is given as dx dy dt and says uz minus uz plus dz, or you say that dx dy dt and this is the change in the vector function, so this is du, ठीक है। और हम क्या करते हैं, dz से divide करते हैं, यहाँ पे dz से multiply कर देते हैं, तो dx into dy into dz क्या हो जाएगा, volume हो जाएगा किसका, parallelogram का, पैरेलल पाइप का वॉल्यूम कितना है dv, हम सपोज कर लेते हैं, विच इज dx into dy into dz, ठीक है, सो दिस इज dv एंड dt du by dz, और इधर क्या है dm है। ये जो मास का जो लॉस हुआ है, ये अलोंग किस एक्सिस के हुआ है, अलोंग x अलोंग z एक्सिस हुआ है, यानी कि xy प्लेन में कितना जो है फ्लूइड का मास जो है वो क्या हुआ है, लॉस हुआ है, और ये किस में है, इन एक्स वाई प्लेन। इसी तरीके से अगर आप वाई जेड प्लेन में अगर निकालें तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, इन वाई जेड प्लेन, इन वाई जेड प्लेन डीएम की क्या वैल्यू आएगी, से दिस इज नॉटेड एज डीएम जेड एंड दिस इज नॉटेड बाय डीएम एक्स, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, डीवी इंटू डी टी एंड डी यू बाय डी एक्स, ये आ जाएगी यहां से। एंड सिमिलरली इन एक्स Z प्लेन, इसमें कितनी वैल्यू आएगी, डी एम वाई इज इक्वल टू डी वी इंटू डी टी और डी यू बाई डी वाई, ये आ जाएगी। तो हमने सभी प्लेन्स की तरफ जितने भी फेसेस हैं उनमें कितना मास का लॉस होने लग रहा है फ्लूइड का, वो हमने निकाल लिया है अलोंग x एक्सिस, अलोंग y एक्सिस, अलोंग z एक्सिस, और सिंस मास एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हम अगर कंप्लीट अगर देखें कि कितना मास लॉस हुआ है फ्लूइड का, तो हम सबको क्या कर देते हैं, एड कर देते हैं, so complete, or say that total
लॉस ऑफ मास ऑफ फ्लूइड, टोटल लॉस ऑफ मास ऑफ फ्लूइड तो कितना जाएगा, सभी का सम करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप ये तो कांस्टेंट है, dt ये भी कांस्टेंट होगा, एंड du बाय dx du बाय dy प्लस du बाय dz दिया जाए, ठीक है। और इसका वैसे ले सकते हैं dv इंटू dt, ठीक है। इसका आप एक काम कीजिए, du था अलोंग z एक्सिस, तो दिस इज du z एंड अलोंग x एक्सिस और du x एंड अलोंग y एक्सिस du y, ठीक है। तो ये वेक्टर फंक्शन है, उसका चेंज बता रहा है अलोंग z एक्सिस, ये वेक्टर फंक्शन जिसका चेंज बता रहा है x एक्सिस अलोंग x एक्सिस, एंड दिस इज चेंज इन द वेक्टर फंक्शन अलोंग द y एक्सिस, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस ऑफ सम u वेक्टर, u वेक्टर क्या है यहां पर, uxi कैप प्लस uy j कैप प्लस uz uz k कैप, तो ये टोटल मास का लॉस है, सो दिस लेट मी डिनोट इट बाय dm d कैपिटल m, तो आप इसको लिख सकते हैं डेल डॉट u इज इक्वल टू dm dm बाय dv into dt और dm बाय dt डिवाइडेड बाय dv, and what is this, this is rate of loss of mass, rate of loss of mass of fluid, ठीक है, and per unit volume of the parallel pipe, तो divergence का physical significance यहां से पता चला है, the physical significance of the divergence is it represents rate of loss of mass, rate of loss of mass of fluid जो कैसा होगा, कंप्रेसिबल होगा, क्योंकि अगर डेंसिटी या वेलोसिटी चेंज ही नहीं करेगा इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, मास ऑफ फ्लूइड व्हिच इज कंप्रेसिबल पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, ये इसका क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस आ गया, ठीक है। डिफरेंट केसेस डिस्कस करते हैं यहां पर कि हो सकता है डाइवर्जेंस जो है वेक्टर फंक्शन यू का वो ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है, लेस देन जीरो भी हो सकता है, या फिर इक्वल्स टू जीरो भी हो सकता है। सो केस वन है इफ डेल डॉट यू इज ग्रेटर देन जीरो, अगर डेल डॉट यू ग्रेटर देन जीरो है तो रेट ऑफ लॉस ऑफ मास भी ज्यादा होगा उस केस में, और द पॉइंट एक्ट एज सोर्स, किस तरीके से सोर्स की तरह वो एक्ट करेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए डेल डॉट ई इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डाइवर्जेंस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो आता है, मान लीजिए, ठीक है। तो अगर ये ग्रेटर देन जीरो आता है तो हम क्या कहेंगे कि अपने पास प्लस क्यू चार्ज है और प्लस क्यू चार्ज में इट एक्ट एज ए सोर्स, ठीक है, तो सोर्स है तो आउटसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी आउटसाइड एट ऑल पॉइंट्स, so this charge act as a source, तो ये मैंने कहा है कि divergence की value greater than zero आ रही है, then that point is called as a source, it act as a source, और अगर case two discuss करें हम, जिसमें del dot u की value less than zero हो, then all points act as sink, और sink में जैसे मान लीजिए minus q है, minus q था तो कितना हो जाएगा, divergence of electric field is less than zero, then it acts as a sink, means all the electric field lines are terminating with this, ठीक है, ये property भी है electric field की। और case 3 में discuss करते हैं कि अगर ये zero हो जाता है तो क्या होता है, if del dot u is equal to zero then all points in the region जिसके अंदर fluid flow करने लग रहा है वो सारे के सारे points जो हैं वो क्या होंगे, there is no source and no sink, so all points have in region of flow of fluid have no source and no sink, ऐसे region को कहा जाता है solenoidal vector field, क्या कहा जाता है, solenoidal vector field, ठीक है, और इस vector function को कहा जाता है solenoidal vector, this is called solenoidal vector,
तो अगर डाइवर्जेंस जीरो आ रहा है तो सोलेनोइडल वेक्टर है, सारे के सारे पॉइंट्स ना ही तो सोर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं ना ही सिंक की तरह। जैसे मान लीजिए इनकंप्रेसिबल फ्लूड है, एक केस लेते हैं जैसे इनकंप्रेसिबल फ्लूड है, तो इनकंप्रेसिबल फ्लूड में आपको पता है कि डेंसिटी और जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगी फ्लूड की, है ना। और अगर डेंसिटी और वेलोसिटी दोनों ही टाइम के साथ चेंज नहीं होगी तो क्या होगा आप लोगों का, कि यू वेक्टर जो हमने क्या माना था रो वी, ये क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ना, चेंज नहीं आएगा इसके अंदर, ठीक है। देयर इज नो चेंज हियर इन दिस क्वांटिटी, ठीक है। इफ देयर इज नो चेंज इन दिस क्वांटिटी डेल डॉट यू और इज द डाइवर्जेंस ऑफ यू इज बिकम टू बी जीरो। सो इनकंप्रेसिबल फ्लूइड के केस में ना ही तो सोर्स मिलता है ना ही सिंक मिलता है। एक एग्जांपल देखते हैं इसका इन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। डाइवर्जेंस इलेक्ट्रिक फील्ड का तो जीरो नहीं होता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इसको बी से डिनोट करते हैं, इसका डाइवर्जेंस जो होता है वो क्या होता है जीरो होता है। यानी कि इसमें आपको पता नहीं चलेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब हम शो करेंगे किसी रीजन में कि सोर्स कहां है और सिंक कहां है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बार मैग्नेट लेते हैं, तो बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो करनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द मैग्नेट कहां से कहां तक होती है, साउथ से लेके नॉर्थ तक, ठीक है, साउथ से लेके नॉर्थ तक, और बाहर की तरफ नॉर्थ से लेकर के साउथ तक, ठीक है। सो दे आर लाइक दिस, ठीक है, दे आर लाइक दिस। सो आप देख रहे हैं यहां पे कि अगर आप इस मैग्नेट को यहां से ब्रेक भी कर देंगे तो ये दो पार्ट्स में नहीं टूटेगा, क्योंकि मैग्नेटिक जो है मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि एक सिंगल पोल मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये भी इसका डाइवर्जेंस का फिजिकल सिग्निफिकेंस से जीरो होने का, ठीक है। तो यहां पर जैसे ही आप इसको ब्रेक करेंगे या कट करेंगे तो एक साउथ पोल और यहां इमर्ज हो जाएगा और यहां पर नॉर्थ पोल जो है यहां पर आपका इमर्ज हो जाएगा। तो देखें यहां से कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं तो जितनी अंदर है उतनी बाहर है, ठीक है, और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो अंदर है उतनी बाहर है, और डायरेक्शन जो क्या है अपोजिट है। देखिए इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में। इसका मतलब कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विच आर इनसाइड द मैग्नेट एंड आउटसाइड द मैग्नेट आर द सेम एंड देयर डायरेक्शन आर अपोजिट। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो क्या होता है जीरो होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो क्या होता है जीरो होता है। तो ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस आप इसमें कहां पता लगा सकते हो कि कहां से ओरिजिनेट हो रहा है, कहां से सिंक आपको दिख रहा है, कहां से सोर्स दिख रहा है आपको। लेकिन चार्जेस में आपको पता चल जाता है कि अगर एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो इट एक्ट एज ए सोर्स, सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर देन इट एक्ट एज ए सिंक ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस इन इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म। आइए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। Question says, if a vector function is u given by this, find the value of small m for which given vector is solenoidal. तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। हमें u वेक्टर गिवन है x plus 2y into i cap plus 2y minus z j cap and plus 2x plus mz एक है। सोलेनोइडल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स या किसी भी फ्लक्स की वैल्यू जो है क्या हो जाए जीरो हो जाए। तो फ्लक्स जीरो होने की क्या कंडीशन थी, फ्लक्स जीरो होने की कंडीशन होती है कि डाइवर्जेंस जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाए जीरो, यानी कि ना ही तो सोर्स हो ना ही सिंक हो, तो डाइवर्जेंस की वैल्यू क्या हो जाए जीरो ऑफ वेक्टर फंक्शन, ऑफ वेक्टर फंक्शन, यानी कि क्या हो जाए डेल डॉट यू की वैल्यू जीरो। तो डेल इज आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस डेल बाय डेल जेड के कैप डेल बाय डेल जेड एंड डॉट प्रोडक्ट विद द दिस ऑफ एक्स प्लस टू वाई आई कैप प्लस टू वाई माइनस जेड जे कैप एंड टू एक्स प्लस एम जेड के कैप एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। डेल बाय डेल एक्स ऑफ दिस मतलब डिफरेंशिएशन का करना है, तो i cap dot i cap is 1 and this becomes 1, ठीक है, x का differentiation with respect to x is 1 और 2y का differentiation 0 with respect to x, del by del y which is comes out to be 2 and plus
with respect to z, this comes out to be mz is equal to 0, or you say that 3 plus mz is equal to, sorry, 3 plus m is equal to 0, because z rest of integration करेंगे तो कितना आएगा, mz का m ही आएगा, so m is equal to minus 3. So, लाइटल होने के लिए m क्या होने चाहिए, 3 होने, minus 3 होने चाहिए. Next question देखते हैं. Second question says, evaluate divergence of R vector where R vector denotes position vector. So, del dot R vector के लिए निकालने हमें. R vector is position vector, that means xi cap plus yj cap plus zk cap. So, this comes I cap del by del x plus j cap del by del y plus k cap del by del z. Dot product with xi cap plus yj cap plus zk cap. So simply हम इसे x के respect में differentiation करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसको y के respect में 1 और इसको z के respect में 1. So answer is 3. तो आज के लिए सिर्फ इतना ही. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.